नमस्कार दोस्तों, मैं हूं घनश्याम और आप देख रहे हैं घनश्याम टेक। दोस्तों, निफ्टी की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें हम निफ्टी और निफ्टी से जुड़े हुए स्टॉक्स के बारे में चर्चा करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे कि क्या लेवल इंपॉर्टेंट है निफ्टी के लिए और जो स्टॉक्स निफ्टी में ट्रेड करते हैं उनके लिए। निफ्टी थोड़ा सा वॉलेटाइल है, इसके लिए मैं सारे स्टॉक्स की रिसर्च यहाँ पे करके आप लोग को बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोग की बहुत सारी रिक्वेस्ट आने लगती है कि पूरे निफ्टी की वीडियो पर, निफ्टी के स्टॉक्स पर वीडियो बना दीजिएगा। जैसे ही ये सब वॉलेटिलिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी, हम निफ्टी को बैंक निफ्टी वाले में शामिल कर लेंगे चार्ट को, और स्टॉक की एनालिसिस हम यहाँ पे नहीं करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए निफ्टी में, जैसा कि कल मैंने बोला था, देखिए कल की वीडियो में मैंने यही बताया था आप लोगों को कि निफ्टी जो रिस्की ट्रेडर होंगे वो 350 के नीचे सेल कर सकते हैं, 320 का हमें टारगेट मिलेगा। लेकिन आज निफ्टी ने लो 350 के नीचे का नहीं, आज का जो लो लगा है वो लगभग 366 का यहाँ पे लो लगा है, तो आज का लो ब्रेक नहीं हुआ। ऊपर की साइड में मैंने यही बोला था कि अगर 420 के ऊपर निकलता है तो हम यहाँ पे 460 के लेवल तक देख सकते, 460 और 500 के लेवल हम यहाँ पे देख सकते हैं, यानी 11460 और 11500 के लेवल हम यहाँ पे निफ्टी में देख सकते हैं। लेकिन निफ्टी गैप अप ही ओपन हो गया, तो निफ्टी ने गैप अप ओपन हुआ 11460 के पास, यानी हमारे फर्स्ट टारगेट के पास ही यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ था। तो यहाँ पे कुछ ज्यादा ट्रेड हमारे लिए निफ्टी में बने नहीं, तो निफ्टी एक छोटी सी रेंज में देखा जाए तो यहाँ पे नीचे 365 और ऊपर 545, तो इस रेंज के बीच में चलता रहा। यानी कल की अपेक्षा अगर देखी, रेंज देखी जाए तो छोटी सी रेंज है। एक दो दिन वॉलेटिलिटी जरूर बनी रहेगी कि आपको पता लगेगा कि दो दो पांच पांच मिनट में ही यहाँ पे 60-60 पॉइंट, 70-70 पॉइंट की मूवमेंट यहाँ पे होती हुई दिखेगी, तो वॉलेटिलिटी थोड़ा एक दो दिन यहाँ पे बढ़ी रहेगी, तो नजर बना के रखिएगा निफ्टी ने। लेकिन ध्यान दीजिएगा, निफ्टी ने कल के लो को यहाँ पे ब्रेक नहीं किया, यानी कल का लो जो 325 का था उसको ब्रेक नहीं किया है, और आज का लो यहाँ पे 366 का लगा हुआ है। तो आज का लो और कल का लो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आसपास है, ध्यान रखिएगा। 320 के नीचे हम ट्रेड करने लगे तब हम यहाँ शायद निफ्टी में 11200 के लेवल देख सकते हैं, तो नजर बना के रखिए, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। जैसा कि मैंने कल आप लोगों को बताया था, ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, इसी ट्रेंड लाइन के पास से इसको बाउंस बैक लेना। अगर एक दो दिन यहीं पे होल्ड करता है और उसके बाद फिर जिस साइड में निकलेगा आपको 100-150 पॉइंट की वन वे काफी तेज रैली मिलेगी और नीचे से ऊपर तक की रैली मिलेगी। कहने का मतलब है कि मार्केट कहीं पर मार्केट ओपन होगा हमारे कल की क्लोजिंग के आसपास, और वहां से धीरे धीरे करके वो 100-150 पॉइंट की मूवमेंट करेगा। अगर कल भी यहीं पे हम रुक गए, मान लीजिए कल भी हम यहीं पे 50-60 पॉइंट के बीच में ट्रेड करते हैं और यहीं पे रुक जाते हैं, तो ये तो पक्का है फिर गुरुवार के सेशन में एक बड़ी मूवमेंट आपको निफ्टी में वन वे देखने को मिलेगी, पहली बार वन वे देखने को मिलेगी, फिर वहां से जो भी करेक्शन होगा वो हो सकता है। तो निफ्टी में कल के लिए जहां तक देखा जाए तो कल के लिए तो यहां पे कुछ खास ट्रेड अभी दिख नहीं रहा, क्योंकि आज की क्लोजिंग 470 की है, आज का हाई 550 का है, आज का लो यहां पे 366 का है, तो आज के हाई और लो तो काफी दूर है यहाँ पे, तो आज का देख के तो कल ट्रेड लेना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो कल इंट्राडे सेटअप में देखेंगे कि कहाँ पे निफ्टी ओपन होता है, उसके बाद आप यहाँ पे ट्रेड देख सकते हैं, क्योंकि आज का देख के, आज की कैंडल को देख के कल का ट्रेड निकालना यहाँ पे बहुत मुश्किल है निफ्टी में। तो कल जब निफ्टी ओपन होगा तो आप इंट्राडे में देखिए, अपने चार्ट सेटअप को देखिए, वहां पे कोई ट्रेड बनता है तब आप जरूर यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, ले सकते हैं। अब निफ्टी का देखिए, जो टू यहाँ पे जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज, हम शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के पास आके यहाँ पे कल भी हमने इसको ब्रेक नहीं किया, इसी के पास हमने क्लोजिंग की ऊपर में, आज भी हमने इसको ब्रेक नहीं किया, यहीं पे क्लोज कर रहे हैं। तो अगर एक दो दिन यहाँ पे और क्लोज करते हैं तब हमें एक क्लियर कट मूवमेंट समझ में आएगी कि निफ्टी जिस साइड ब्रेक करेगा फिर उस साइड में एक मूवमेंट हमें देखने को मिलेगी। देखिए कई बार हम इसी लेवल के आसपास से घूमते हैं, जब भी हम इस मूविंग एवरेज के आसपास में आते हैं यहाँ से हम बाउंस बैक लेते हैं, तो देखते हैं इस बार क्या होता है। लेकिन बाउंस बैक लेने के लिए हमें वेट करना पड़ेगा। अब ये कैंडल का हाई बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस कैंडल के हाई के ऊपर हम क्लोज करेंगे तब हमें ये समझ में आएगा कि हाँ हमने यहाँ पे सपोर्ट ले लिया है निफ्टी में। तो चलिए अब देखते हैं निफ्टी में ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जो निफ्टी को ऊपर ले जाने में मदद कर सकते हैं या नीचे लाने में। पहला है अदानी पोर्ट। अदानी पोर्ट को जैसा कि मैंने पहले ही आप लोग को बताया है कि इंपॉर्टेंट है कि ये 360 के लेवल को क्लोज करेगा, उसके बाद ही हम देखेंगे। अगर नीचे इसने 340 के लेवल को क्लोज कर दिया तो फिर ये नीचे की साइड में 20-30 पॉइंट के लिए खुल जाएगा इसका मूव। एशियन पेंट कल की गिरावट के बाद पूरा इसने कवर कर लिया है, तो नजर बना के रखिएगा 2020 के ऊपर ही हम इसको बाइंग करेंगे, उसके पहले बाइंग नहीं करेंगे। बजाज ऑटो ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, आज यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी है, तो कल क्या मूव देख सकते हैं। कल अगर लो को नहीं ब्रेक करता, यानी 2930 को ब्रेक नहीं करता है, तो शायद एक मूवमेंट फिर से आपको ऊपर की साइड में दिखेगी। लेकिन अगर 2930 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया तो शायद आपको 2900 के लेवल देखने को इंट्राडे में मिल सकते हैं। बजाज फिंसर सही जगह पे बाउंस बैक लिया है, तो कल के हाई, आज के हाई के ऊपर अगर कल निकलता है तो एक यहाँ पे ट्रेड फिर से बनेगा, एक बाउंस बैक आपको यहाँ पे 70-80 रुपए की देखने को मिल सकती है। बजाज फाइनेंस यहाँ पर भी देखिए इनसाइड कैंडल बनी है, तो इसको छोड़ देते हैं। भारतीय एयरटेल में आज एक जबरदस्त मूवमेंट भारतीय एयरटेल में देखने को मिली है। देखिए आज का जो हाई लगा, जैसा कि मैंने
पहले ही कई बार बोल रहा था आप लोगों को कि 440 540 वाले लेवल को ध्यान में रखिएगा, इसके ऊपर निकलेगा तो फिर ये सस्टेन कर सकता है। इंट्राडे में काफी अच्छी मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगी। बीपीसीएल पे नजर बना के रखिएगा, 399 के नीचे क्लोज करेगा तो इसकी पोजीशन को कट कर लीजिए और वहाँ पे शॉर्ट पोजीशन भी बना सकते हैं। ब्रिटानिया यहाँ पे कुछ नहीं छोड़ दीजिए। सिप्ला में भी कल की गिरावट के बाद आज थोड़ा सा कवर यहाँ पे जरूर किया है, लेकिन अब इसको 760 का लेवल क्रॉस करने में काफी दिक्कत आने वाली है। कोल इंडिया में कुछ खास मूवमेंट नहीं है। डॉक्टर रेड्डी भी अब सपोर्ट लेवल के आसपास पहुंच रहा है धीरे धीरे, तो अब यहाँ पे शॉर्ट मत कीजिएगा। जिसके पास शॉर्ट की पोजीशन है एक बार कवर जरूर कर लीजिएगा। आइसर मोटर का चार्ट ही मेरे पास नहीं है। गेल इंडिया यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनी है, तो देखते हैं ये हैमर कैंडल के ऊपर कल निकलता है तो एक मूवमेंट शायद मिल सकती है। ग्रासिम में सपोर्ट लेवल के आसपास कल ही मैंने बोला था कि 450 के आसपास आएगा, तो यहाँ पे एक बाउंस बैक हमें मिल सकता है सपोर्ट लेवल के आसपास। एससीएल टेक्नोलॉजी ये भी अपने सपोर्ट लेवल के आसपास है, तो कल यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बनते हुए दिखो तो जरूर लेके जाइए। यहाँ पे एचडीएफसी लिमिटेड यहाँ पे छोड़ दीजिए। एचडीएफसी लाइफ ने भी देखिए कल का जो रेंज ब्रेक किया है उसके नीचे ही इसने आज भी क्लोजिंग दी है, तो अब इसके लिए इम्पोर्टेंट हो चुका है कि अब ये जल्दी 600 के लेवल को क्रॉस नहीं करने वाला है। हीरो मोटोकॉर्प यहाँ पे कुछ नहीं है। हिंडाल्को कल की पूरी कैंडल को आज इसने कवर कर लिया है, तो कल अगर वापस 197 के ऊपर ट्रेड करता है तो इसको जरूर ट्रेड कीजिए, शायद इसको 202 के टारगेट मिल जाएंगे। हिंदुस्तान यूनिलीवर ब्रेक डाउन करने के बाद वापस इसने कवर कर लिया अपने लेवल को, तो ये फिर उसी रेंज में आ गया, तभी इसको हम कुछ नहीं करेंगे। इंफ्राटेल यहाँ पे कुछ नहीं है मेरे लिए दिख रहा है। इंफोसिस धीरे धीरे मुझे लगता है ये भी 900 के आसपास तक आएगा। आईओसी में कुछ खास नहीं है, सपोर्ट लेवल के आसपास है लेकिन इसको बाइंग रिकमेंड नहीं करूंगा। ITC ने भी इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक करके नीचे ही क्लोज किया है, तो इस पर नजर बना के रखिएगा, शायद ये धीरे धीरे 185 के पास तक जा सकता है। JSW स्टील कल की गिरावट को पूरा कवर कर लिया है, तो अब मुझे लगता है 290 के ऊपर अगर ये क्लोज करता है तो यहाँ पे 310 के भी टारगेट मिल सकते हैं। L&T कुछ खास नहीं, M&M में कुछ नहीं छोड़ दीजिए। मारुति अगर इस ट्रेंड लाइन के आसपास मिलेगा तब देखेंगे, उसके पहले नहीं। नेस्ले में भी कुछ खास नहीं दिख रहा मुझे। NTPC में भी छोड़ दीजिए। यहाँ पे ONGC, यहाँ पे ONGC का रिजल्ट तक रिजल्ट कहता है मुझे नहीं पता, अगर रिजल्ट खराब हो तो यहाँ से निकल जाइएगा आप लोग। पावर ग्रिड में भी कुछ खास नहीं है। रिलायंस पे भी, रिलायंस पीछे 4-5 दिनों से इसी जगह पे ट्रेड कर रहा है, तो नज़र बना के रखिएगा, अगर ये 2050 के नीचे क्लोज करता है तो फिर ये 1915 तक भी आ सकता है। सन फार्मा सपोर्ट लेवल के आसपास ही है, 520-522 ये जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इसके नीचे अगर क्लोज करता है तो यहाँ पे वीकनेस हावी हो जाएगी। टाटा मोटर देखिए यहाँ पे कुछ फर्क नहीं पड़ा टाटा मोटर पे, तो यहाँ पे मुझे लगता है 147 के ऊपर एक मूवमेंट मिल सकती है। टाटा स्टील इसने 420 के नीचे गया, आज इसने पूरा कवर कर लिया, तो यहाँ पे अभी नजर बना के रखेंगे 440 के ऊपर ही। TCS में कुछ खास नहीं, टेक महिंद्रा को भी छोड़ दीजिए। टाइटन में भी मेरे लिए कुछ नहीं दिख रहा। अल्ट्राटेक यहाँ पर भी जो शॉर्ट है एक बार कवर कर लीजिए, क्योंकि जब बड़ी मूवमेंट या बड़ी कैंडलें बन जाती है ना तो लोग फिर से शॉर्ट करने के लिए थोड़ा सा घबराते हैं, तो थोड़ा एक दो दिन मार्केट कंसोलिडेट करता है फिर गिरावट होनी होती है तब होती है, तो ये नजर बना के आप लोग जरूर रखिएगा। वेदांता में अच्छा, वेदांता ने तो देखिए हाई भी क्रॉस करा था, वेदांता कल अगर हाई को क्रॉस करता है तो 134 तक जा सकता है। दोस्तों अगर आप भी हमारे सपोर्ट ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंजल ब्रोकिंग और जियोदा का लिंक है, तो वहां से जाके आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं और अकाउंट ओपन होने के बाद में आप हमारे सपोर्ट ग्रुप से जुड़ सकते हैं। अगला स्टॉक था विप्रो, यहाँ पे कुछ खास नहीं है। जील जैसा कि मैंने बोला था कि अगर 199 के नीचे क्लोज करेगा तो इसमें वीकनेस हावी होगी और फिर ये 180 तक जा सकता है, तो ये 200 के ऊपर ही क्लोज कर रहा है, तो अगर इसने कल वापस 207 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया तो फिर ये इंट्राडे में 210 तक जा सकता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और नए मेहमानों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।